वर्ल्ड, उसके बारे में जानेंगे। देखो थर्मल चेंज में वैसे नॉर्मली हमें पता है कि जब हम अर्थ से, हमारा जो अर्थ है उसके सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये वाला जो पहला लेयर है ये कहलाता है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर तो इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको टेम्परेचर में कमी आएगी, ये दिखता है अर्थ से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इस लेयर में कमी आने की जगह टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और इसी चीज को हम कहते हैं थर्मल चेंज। थर्मल मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज होना। कई बार जैसा किसी लेयर में या एटमोस्फियर में होना चाहिए उसके इनवर्स चीजें हो जाती हैं, तो उसी को थर्मल चेंज हम कह देते हैं। जैसे रियल में तो ये होता है कि नीचे वाली जो एयर है वो थोड़ी सी वार्म होगी, उसके ऊपर वाली एयर थोड़ी सी कूल होगी, ठंडा होगी, और उस सबसे ऊपर वाली एयर वो कोल्ड होगी और ज्यादा ठंडी होगी। तो ऐसा हमारे अर्थ में नॉर्मली दिखता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई नीचे वाली जो लेयर है ये कूल है, ऊपर वाली बीच वाली लेयर है वार्म है, और फिर इसके ऊपर कोल्ड लेयर, तो ऐसा अगर किसी भी अर्थ के सरफेस पे या एटमोस्फेयर में होने लग जाए तो उसी को हम कह देते हैं थर्मल चेंज। जो रियल में होना चाहिए उससे अलग पोजीशन में आ जाता है। और ऐसा हमें कहाँ कहाँ और देखने को मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसा अक्सर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको दिखेगा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो वहां पर टेम्परेचर राइज होता है ना कि कम होता है, जबकि ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता है, राइज नहीं होता। लेकिन अगर थर्मल चेंज होगा तो सिचुएशन रिवर्स हो सकती है, और जब ऐसी सिचुएशन हमारे अर्थ पर होती है तो अर्थ पर आपको फॉग दिखता है। फॉग आपने देखा होगा, इंडिया में जो फॉग है या कोहरा वो आपको सर्दियों के टाइम दिखता है। सर्दियों के टाइम क्यों दिखता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम जो ठंडी एयर है वो नीचे की तरफ इंडिया में बैठती है, और ठंडी एयर हैवी होती है, और ऊपर से एयर थोड़ा सा डिक्लाइन करती है, डाउनवर्ड आती है, और हाई प्रेशर बनने की वजह से ठंडी एयर लैंड की सरफेस पर बैठती है, और ऊपर की तरफ वार्म एयर होती है और नीचे की तरफ ठंडी एयर होती है। इस वजह से उस टाइम हमें फॉग भी दिखाई देता है इंडिया में। ऐसी कंडीशन और भी बहुत सारी जगह हो सकती है, जिसे आप देखेंगे रेडिएशन। नाइट के टाइम, सर्दियों के टाइम, अगर यहां से अर्थ के सरफेस से, हमें पता है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में हमें लाइट मिलती है, किससे, सन से, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में लाइट वापस जाती है हमारी अर्थ से। तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में हमारी अर्थ से लाइट वापस गई, और अगर लॉन्ग वेव रेडिएशन ज्यादा हो गया, ऊपर क्लाउड नहीं है नाइट के टाइम, तो उस टाइम भी आपको टेम्परेचर में कमी दिखाई दे, और इस टाइम भी आपको इन्वर्जन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि नीचे वाली एयर थोड़ी सी ठंडी हो, बीच वाली एयर थोड़ी सी गर्म हो, और फिर उसके बाद फिर ठंडी। तो ऐसा आपको लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से, लॉन्ग वेव रेडिएशन जब नीचे जाएगी तो उस वजह से भी कोल्ड एटमोस्फियर ये हो सकता है। तो कई जगह से या तो रेडिएशन की वजह से या आपके एटमोस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में चेंज होने की वजह से थर्मल इन्वर्जन हो सकता है या टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। ऐसे ही हम कहाँ पे देखे, एयर ड्रेजेस इन्वर्जन, जिसे माउंटेन जो एरिया होते हैं, माउंटेन एरिया में क्या होता है, ये मान लेते हैं माउंटेन है, यहाँ पे भी एयर ड्रेजेस मतलब
एयर नीचे की तरफ थोड़ी आती है और कई बार यहां से जो गर्म एयर होती है वार्म एयर वो ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि हल्की है, थोड़ा ऊपर जाना चाहती है, लेकिन ये पीक से ठंडी एयर जो है वो नीचे की तरफ वैली में आना चाहती है। जब ठंडी एयर या कोल्ड एयर नीचे की तरफ आएगी, ये वाली कोल्ड एयर, और वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहां पर भी आपको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। और माउंटेन एरियो में ये अक्सर होता है कि ठंडी जो वेव है वो नीचे की तरफ और गर्म वाली ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देगी। तो एक जगह हम माउंटेन में भी टेम्परेचर इन्वर्जन देख सकते हैं। पहला हमने देखा सरफेस पे, दूसरा हमने देखा माउंटेन पे भी टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है। फिर आप एक और जगह जो देखेंगे वो आपको दिखता है सरफेस पे, जिसे हम कहते हैं एडवेक्शन, एडवेक्शन इन्वर्जन। और एडवेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हॉरिजेंटली कोई विंड चले, जैसे लू हम लोगों ने देखा था, तो वो कैसे चलती है गर्मियों के टाइम नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ इंडियन प्लेन में हॉरिजेंटली चलती है। तो ऐसी चीजें जब क्रिएट होती हैं तो उस टाइम भी इन्वर्जन होता है। और ये कैसे हो सकता है, मान लो ये नीचे वाली लेयर है, ये कोल्ड है, ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी वार्म है, और धीरे 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 इन दोनों के बीच टेम्परेचर शिफ्ट हो रहा है। इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर दोनों के बीच शिफ्ट होगा, जिसे हमने पढ़ा था डायवेटिक चेंज, तो डायवेटिक चेंज होगा जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट इंक्लूड होता है, तो उस टाइम भी आपको इन्वर्जन दिखेगा कि भाई टेम्परेचर में डिफरेंस या चेंज होने लगा है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, थर्मल चेंज, या एक तरीके से ऊपर वाली लेयर वो थोड़ी गर्म है, नीचे वाली लेयर थोड़ी ठंडी है, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा कोल्ड लेयर है। और इसकी वजह से अगर ये टेम्परेचर इन्वर्जन ऊपर की तरफ होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ये टेम्परेचर इन्वर्जन सरफेस की तरफ होता है तो हमें दिक्कत है। पहला, फॉग बन सकता है, और फॉग अगर बनेगा तो हमें थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी। साथ में ही फॉग की वजह से कई बार हमें क्रॉपों को भी लॉस हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर वो टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया तो हो सकता है कि जो आइस है वो आपकी क्रॉप को खराब कर दे। दूसरा, फॉग की वजह से आपको जब आप व्हीकल चलाते हैं देखने में भी बहुत दिक्कत हो सकती है, या हमारी ट्रेन चलती है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने देखा भी होगा सर्दियों के टाइम ट्रेन हो या प्लेन हो, क्योंकि वो देख नहीं पाते, विजुअल जो चीजें वो मुश्किल हो जाता है, इस वजह से एक्सीडेंट, ये सारी चीजें आपको ज्यादा। और कई बार इस टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से वैसे ओजोन लेयर जो ज्यादातर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, लेकिन अगर ओजोन लेयर जो हमारे व्हीकल से निकलती है वो अर्थ के ट्रोपोस्फीयर में रह जाए तो हमारी आंखों में जलन भी हो सकती है, और इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन ये भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे दिल्ली एनसीआर में कभी आए पाए होंगे या किसी बड़े शहर में, तो वहां पे आपको आंख जलती हुई दिखाई देंगी। उसका रीजन होता है ओजोन लेयर का इन दोनों के बीच फंस जाना, ना तो ओजोन लेयर ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है, वो दोनों के बीच फंसी हुई है, और अगर वो फंसी हुई है तो डायरेक्टली हम लोगों को हार्म पहुंचा रही है। और कई बार इसका इम्पैक्ट पड़ता है प्लांट पर भी, प्लांट का ग्रोथ सही से नहीं होता, या प्लांट की जो लीफ है वो ग्रीन से थोड़ी सी वाइट वाइट होने लग जाती है, उसका रीजन भी ये थर्मल चेंज होता है, टेम्परेचर में जो चेंज होता है ये सब उसी के रीजन की वजह से होता है। तो ये तो हमने बात की भाई कैसे एक तरीके से सारी चीजें होती हैं, लेकिन एटमोस्फियर
ये तो हमने सरफेस वाली सारी चीजें बात कर ली कि माउंटेन पे कैसा होता है, सरफेस पे कैसा होता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर वाले पार्ट में और क्या क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहले कन्वेक्शनल इन्वर्जन, जिसमें हमने कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ा था, तो तीन तो ये याद रखना। पहला हम लोगों ने देखा था माउंटेन वाला, दूसरा पहला हमने सरफेस वाला भी देखा, फिर माउंटेन वाला भी देखा, फिर ये वाला भी देखा कि भाई कैसे कोल्ड वार्म टेम्परेचर एडवेक्शन इन्वर्जन उसकी वजह से क्या होता है। ये तीन हमने देखे, ऐसे ही तीन हमें एटमोस्फियर में भी दिखाई देते हैं, जैसे रेनफॉल होती है उस टाइम भी हम कुछ चीजें देखते हैं। तो उस रेनफॉल से ही जुड़ी हुई कुछ चीजें हमें ट्रोपोस्फेयर में दिखती हैं। तो अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर में भी थर्मल चेंज या टेम्परेचर में जो इन्वर्जन है वो हमें दिखाई देता है। और इस टेम्परेचर इन्वर्जन का इम्पैक्ट हमारे आसपास के एनिमल पे भी पड़ सकता है और साथ में ह्यूमन लाइफ पे भी पड़ सकता है। तो ट्रोपोस्फीयर पहला जो रीजन है वो है कन्वेक्शनल इन्वर्जन, कन्वेक्शनल इन्वर्जन। आप लोगों को कन्वेक्शनल रेनफॉल याद होगी, जिसमें हमने देखा था टेम्परेचर जब हाई होता है तो उसकी वजह से एवेपरेशन होता है, एवेपरेशन की वजह से क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनने के बाद प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होती है, जब कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी चीजों में क्या-क्या चीजें होती हैं। अगला एयर का डिक्लाइन, मतलब नीचे की तरफ होना, उस वजह से भी ट्रोपोस्फीयर में चेंज हो सकता है। अगला फ्रंटल, फ्रंटल रेनफॉल हमने देखा था उसकी वजह से। फ्रंटल क्या होता है, दो अलग अलग एयर के बीच जो डिफरेंस होता है, एक वार्म एयर एक कोल्ड एयर, उन दोनों के बीच डिफरेंस होने की वजह से भी आपको टेम्परेचर में इन्वर्जन दिखाई दे सकता है। कन्वेक्शनल कैसे होता है कि भाई हमें पता है कि ये हमारा सरफेस है, ये लो प्रेशर वाला है, यहां से वेट ऊपर की तरफ जाएगी, और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इधर लो, इधर वाला पार्ट हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर तो यहां पर कोल्ड एयर, और ऊपर की तरफ जब जाओगे हो सकता है इसके ऊपर थोड़ी सी वार्म एयर हो जाए। तो इस वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल से टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है। जैसे आपने बहुत टाइम महसूस किया होगा, जब रेनफॉल होती है तो उसके कुछ टाइम बाद आपको टेम्परेचर में थोड़ी सी गर्मी दिखाई देती है या उमस दिखाई देती है। उसका रीजन यही होता है कि नीचे वाली जो लेयर है उसके ऊपर एक वार्म लेयर बैठ गई है, और वो वार्म लेयर आप लोगों को हीट दे रही है, क्योंकि ठंडी एयर नीचे है लेकिन वार्म एयर उसके ऊपर बैठने की वजह से ट्रोपोस्फीयर में थोड़ा सा आप लोगों को हीट दिखाई देगी। फिर हमने इधर देखा था कि जब भाई 60 डिग्री से, 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ, जहां पे हम लोगों ने क्या देखा था टेम्परेट साइक्लोन, वहां से जब ये विंड चलती है एक इधर से और दोनों नीचे की तरफ आती हैं, किस पे 30 पे, 30 पे जब नीचे की तरफ आएंगी तो इधर वाली हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा तो मतलब कोल्ड जो वेव है वो नीचे की तरफ आएगी, और इधर भी ऐसा ही होगा हाई प्रेशर कोल्ड वेव और ऊपर की तरफ वॉर्म, इसकी वजह से भी टेम्परेचर में इन्वर्जन हो सकता है। तो ये कंडीशन हमें दिखाई देती है। और सबसे लास्ट फ्रंटल में, जहां पर एक तरफ वार्म एयर दूसरी तरफ कोल्ड एयर, इन दोनों के बीच एक फ्रंट बनता है, और जब वार्म एयर कोल्ड एयर के एरिया में एंटर करती है उसके बाद उस समय वार्म फ्रंट बनता है, और जब कोल्ड एयर वार्म एयर के एरिया में एंटर करती है तो कोल्ड फ्रंट बनता है, और जब एंड में
वार्म एयर को पीछे से भी कोल्ड एयर पकड़ लेती है और साथ में आगे से भी, तो उस टाइम भी हमें टेम्परेचर इन्वर्जन दिखाई देता है। तो ऐसे हमें टेम्परेचर इन्वर्जन नीचे की तरफ भी और एटमोस्फियर तीनों में हमें दिखाई देते हैं। और इस टेम्परेचर इन्वर्जन का इम्पैक्ट एनिमल, ह्यूमन बीइंग, वेजिटेशन सब पे पड़ सकता है। कई बार ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है क्योंकि उसकी वजह से हमारी क्रॉप को भी फायदा हो सकता है, कई बार नेगेटिव होता है क्योंकि इसकी वजह से जो एटमोस्फियर या हमारी वेजिटेशन है उसको कई बार नुकसान पहुंचता है। जैसे हमने ओजोन लेयर का ही देखा, ओजोन लेयर अगर स्ट्रेटोस्फीयर में तो अच्छी चीज है, लेकिन ओजोन लेयर अगर ट्रोपोस्फीयर में तो बहुत बेकार चीज है। उस वजह से हमें नुकसान हो सकता है, हमारी आंखों में जलन हो सकती है और हमारी बॉडी के अंदर अगर ओजोन लेयर गई तो उस वजह से भी हमें नुकसान हो सकता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था थर्मल चेंज। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कैसा क्यों होता है, याद रखना थर्मल चेंज की वजह से टेम्परेचर जो ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाने पर कम होना चाहिए था वो बढ़ने लग जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में जब बढ़ना चाहिए था वो कम होने लग जाता है। ऐसा अगर कहीं पे हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल चेंज या टेम्परेचर में इन्वर्सन हो। और ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, बाद में बनता है। सर्दियों के टाइम ज्यादातर आपको टेम्परेचर इन्वर्सन दिखाई देगा क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस होता है, कोल्ड एयर नीचे है ऊपर आप जाओगे थोड़ा सा गर्मी लगेगा। तो ये सारी चीजें हमें हो जाती है। अब हम चलते हैं वेजिटेशन, वर्ल्ड में वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, नेचुरल वेजिटेशन। कल हम लोगों ने जो क्लाइमेट जोन देखे थे उसी से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि भाई वेजिटेशन कैसी होगी। सबसे पहली बात, वेजिटेशन को डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर रेनफॉल, अगर रेनफॉल ज्यादा तो वहां पर वेजिटेशन भी ज्यादा, क्योंकि प्लांट को चाहिए क्या, सबसे पहले रेनफॉल उसको चाहिए। तो एक चीज याद रखना, रेनफॉल ज्यादा तो वेजिटेशन भी ज्यादा, कि प्लांट को वाटर चाहिए, और वेजिटेशन ज्यादा तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी, मतलब प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर एक लिमिटेड एरिया में अगर हम देखते हैं कितने टाइप की स्पीसीज या कितने टाइप के प्लांट पाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और उसमें कहूं तो व्हेन वी फाइंड डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन इन लिमिटेड एरिया, वो लिमिटेड एरिया हो सकता है 10 मीटर के आसपास हो, उस एरिया में अगर हम वेजिटेशन देखते हैं और काफी ज्यादा डेंसिटी है और साथ में उसमें डाइवर्सिटी भी है तो उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और इसे एक टर्म में हम क्या कहते हैं, बायोमास, मतलब सबके जितने भी प्लांट हैं उनके सारे वेटेज को अगर हम मिला दें तो वो बायोमास एक तरीके से कहलाता। तो बायोडाइवर्सिटी को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, रेनफॉल। दूसरा जो फैक्टर डिसाइड करता है वो है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो जो वुड है उसकी लकड़ियां हार्ड होंगी, टेम्परेचर उसे हार्ड देता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, जिसके द्वारा ही उन्हें फूड मिलता है, और फोटोसिंथेसिस ज्यादा इसका मतलब प्लांट की जो वुड है वो हार्ड, अगर टेम्परेचर कम तो प्लांट की वुड थोड़ी सी सॉफ्ट। और आप देखेंगे भी जैसे जैसे आप ज्यादा हाइट एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहां पर प्लांट थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जैसे जैसे आप हाई टेम्परेचर में जाओगे तो वहां पर प्लांट आपको बहुत ज्यादा हार्ड दिखाई देंगे।
उसका रीजन होता है टेम्परेचर उसे मिलना, और इसके बेस पे ही हम वेजिटेशन को कई पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, जैसे ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट जहां की थोड़ी सी ज्यादा गर्मी हो, फिर उसके बाद कम जो होगा उसे हम कहेंगे टेम्परेट, मतलब कोल्ड एयर में थोड़ा सा इसमें ज्यादा एक तरीके से वार्म है या टेम्परेचर ज्यादा है, जो हमें दिखता है एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट इक्वेटर के पास, फिर थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल एरिया जैसे इंडिया का मानसून वाला क्लाइमेट है वहां पे भी दिखेगा, और फिर 30 से ऊपर वाला जो होता है वो टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल थोड़ा कम होता है। और उसके बाद आपको कॉर्न फॉरेस्ट, जिन्हें हम क्रिसमस ट्री भी देखते हैं, उनका टेम्परेचर और कम होता है, और इनसे ज्यादातर है माचिस या पेपर, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। और सबसे लास्ट में टुंड्रा फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, जहां पर बर्फ होती है, टुंड्रा फॉरेस्ट में टेम्परेचर और कम होता है। और बायोडायवर्सिटी में इसमें भी हम कह सकते हैं, सबसे पहले जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी वहां पे हमें फॉरेस्ट मिलेंगे, फॉरेस्ट या वन। फॉरेस्ट किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट, जब हमें ग्रुप ऑफ प्लांट दिख जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, नेचुरली ह्यूमन बीइंग मेड वाले नहीं। और फॉरेस्ट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला हमें दिखता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमें कहां पर दिखेगा, ये दिखेगा इक्वेटर के पास, जीरो से लगभग 30 डिग्री के आसपास या 10 डिग्री के आसपास आपको मैक्सिमम दिखेगा, उसके बाद थोड़ा सा एवरग्रीन फॉरेस्ट कम दिखने लग जाएगा। फिर उसके बाद कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो कुछ सीजन में अपनी लीफ जो है या पत्तियां हैं वो गिरा देते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेचर वहां का हाई है, बट वो एवरग्रीन मतलब हमेशा पत्तियां नहीं रहती। इनको एवरग्रीन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के फॉरेस्ट या प्लांट एक साथ कभी भी लीफ नहीं गिराते, गैप दे दे के गिराते हैं, इस बार उसने गिरा दी, इस बार उसने बना दी, इसलिए हमेशा ऊपर से देखने पर ये ग्रीन दिखाई देता है, लेकिन ये वाले प्लांट हमेशा ग्रीन नहीं दिखाई देते। ये वाले प्लांट जब पतझड़ का टाइम आता है उस टाइम अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसीडियस या फिर पर्णपाती, मतलब जो पत्ते अपने गिरा दिए उनको हम कहते हैं। फॉरेस्ट के बाद जहां पर रेनफॉल थोड़ी और कम होगी तो वहां पर कुछ प्लांट दिखेंगे, प्लस में साथ में वहां पर ग्रास का डेवलपमेंट होने लग जाएगा, प्लांट और ग्रास इसका मिक्सचर हमें दिखाई देगा, और ऐसे फॉरेस्ट एरिया को हम क्या कहते हैं, सवाना। सवाना, सवाना एरिया में आपको प्लांट दिखेंगे, कुछ प्लांट है ज्यादातर ग्रास है, उसका रीजन रेनफॉल थोड़ी सी कम है और ग्रास को रेनफॉल की कम जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको ग्रास प्लेन, अब यहां पर आपको प्लांट दिखने ही बंद हो गए, उसका रीजन रेनफॉल ज्यादा कम है और प्लांट डेवलप ही नहीं हो पा रहे, और इसलिए यहां पर आपको सिर्फ ग्रास दिखे। और लास्ट में जहां पर बहुत कम रेनफॉल होगी वहां पे आपको डेजर्ट दिखेगा, डेजर्ट का मतलब 25 सेंटीमीटर से भी कम एनुअल रेनफॉल हो तो डेजर्ट। तो हमने दो तरीके से नेचुरल वेजिटेशन को देखा, सबसे पहले रेनफॉल की तरह से देखा, रेनफॉल हमें बताता है कि कहाँ की वेजिटेशन में बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी, उसके बेस पे हमने देखा प्लांट को डिवाइड किया जा सकता है, पहला फॉरेस्ट, ग्रुप ऑफ प्लांट जहाँ पे हो जिसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट जिनके प्लांट कभी भी अपनी लीफ नहीं गिराते, ऊपर से ग्रीन दिखाई देते हैं,
गिराते भी है तो अल्टरनेटिव, इस बार इस प्लांट ने गिरा दी, इस बार उस प्लांट ने, ऊपर से देखने में वो पूरा फॉरेस्ट हमें ग्रीन लगेगा। उसके बाद जहां पर रेनफॉल थोड़ी सी कम होती है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस, जैसे इसका एग्जांपल इंडिया, इंडिया के जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस है। हम लोग हाई टेम्परेचर वाले जोन में तो है, बट हमारे यहाँ के जो प्लांट है वो लीफ भी गिराते हैं सीजन में, खासकर सर्दियों के मौसम में आपको दिखेंगे, या पतझड़ वाला जो टाइम आता है रेनफॉल से जस्ट पहले उस टाइम में गिरा देते हैं। तो क्योंकि ये अपनी लीफ गिरा देते हैं इसलिए इनको डेसिडियस कहते हैं। फिर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ी और कम बारिश होती है तो वहां पर ज्यादातर ग्रास होती है, इन कुछ कुछ पेड़ दिखाई देते हैं। ये कहां दिखता है? सवाना अफ्रीका। अगला जो पार्ट होता है जहां पर और कम रेनफॉल होती है वहां पर सिर्फ ग्रास प्लेन दिखाई देते हैं, जैसे पंपास, कंपोज, यूएसए में हमने देखा, साउथ अमेरिका में हमने देखा, स्टेपी हमें दिखाई देते हैं यूरोप में, इंडिया में भी कुछ ऐसे ग्रासलैंड है, जम्मू कश्मीर आप जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, वहां पर टेम्परेचर कम होने की वजह से कई बार ग्रासलैंड बनती है। और सबसे लास्ट में डेजर्ट, जहां का टेम्परेचर काफी हाई होता है और साथ में ही रेनफॉल काफी कम होती है। अगला हमने देखा टेम्परेचर के बेस पे, और टेम्परेचर डिसाइड करता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से ही जो प्लांट है अपना फूड बनाते हैं, और प्लांट की वुड हार्ड होगी कब? अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा। सॉफ्ट होगी कब? जब टेम्परेचर कम होगा। इस बेस पे हम चार पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब थोड़ा सा ज्यादा वाले टेम्परेचर वाले एरिया में है और जिसमें बड़ी बड़ी लीफ होती है और साथ में ही वुड भी जो होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है। दूसरा होता है टेम्परेट, जहां पर थोड़ी सी वुड की कंडीशन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और ये थोड़े से कम टेम्परेचर वाले जोन में मिलता है। उसके बाद कॉर्न फॉरेस्ट, जो उससे भी कम टेम्परेचर वाले में होता है, जिसको हम पेपर बनाते हैं, यूज करते हैं बैट बनाने के लिए, जो ब्रिटिश वाला क्लाइमेट है वहां पर आपको ज्यादातर कॉर्न फॉरेस्ट दिखाई देंगे। और फिर टुंड्रा, जहां पर एकदम फ्रोजन है, जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, वहां पर आपको टुंड्रा फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। तो ये हमने दो बेस पे जाना, भाई टेम्परेचर और रेन, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी एरिया में नेचुरल वेजिटेशन डेवलप करने में। जब हमें ये सारी चीजें पता चल गई, अब हम डिवाइड कर सकते हैं वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में फॉरेस्ट को। तो कल जो हमने क्लाइमेट जोन देखे थे उसके बेस पे हम पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से फॉरेस्ट को देख सकते हैं। ये आप बना लेना, ठीक है, और नहीं फोटो ले लेना, और नहीं बाद में वीडियो मिलेगी उसमें से देख कर लेना। अब देखो, अब हम चलते हैं अगला कि वर्ल्ड में मैप कैसा बनता है अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट की। कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ मैप में भी देखेंगे कि भाई कहां पर कैसी चीजें होती है। तो वर्ल्ड के नेचुरल वेजिटेशन का मैप, तो सबसे पहले हमें पता है हम अलग अलग क्लाइमेट बनाएंगे। सबसे पहले जो हमने क्लाइमेट देखा था वो देखा था नीचे वाला, सबसे पहले ये वाला 0 से 10, जीरो से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ। इसमें जो हमने क्लाइमेट देखा था वो कौन सा देखा था? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल इक्वेटर क्लाइमेट। और इक्वेटर पे हमें पता है टेम्परेचर हाई होता है और साथ में टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहां पर हर टाइम कन्वेंशन रेनफॉल होती है। कन्वेंशन रेनफॉल किस वजह से होती है? टेम्परेचर हाई होने की वजह से। देखो, अब अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें, सबसे पहले 0 से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ हमें दिखाई देता है, जहां पर टेम्परेचर लगभग 20 से ज्यादा होता है हर टाइम।
और साथ में ही यहाँ पे टेम्परेचर हाई, तो यहाँ पे की इसकी वजह से यहाँ पे एक रेनफॉल होती है जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, और डेली यहाँ पे 2 PM के बाद रेनफॉल होती है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल भी 200 सेंटीमीटर से आपको ज्यादा दिखेगी, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल इस जोन का है। इस वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमेशा ये हमें ग्रीन दिखाई देता है, उसका रीजन यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल का होना। तो रेनफॉल एक डिसाइडिंग फैक्टर है, और साथ में ही यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई है तो वुड भी कैसी होंगी, हार्ड वाली वुड होंगी। और यहाँ पर कुछ फेमस जो प्लांट हमें मिलते हैं उनमें से कुछ का आप नाम लिख लेना। पहला जैसे हमें मिलता है महागुनी। महागुनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। महागुनी पहला ये। दूसरा जो इसमें और मिलता है वो है एबोनी। एबोनी ये भी एक तरीके का कैसा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला। अगला हमें मिलता है रोजवुड। रोजवुड वो भी इधर ही मिलता है। इसके अलावा आपको मिलेगा आयरन वुड, वो भी इस एरिया में मिलता है। उसके बाद आपको ग्रीन हर्ब, ग्रीन हर्ब इनमें से कोई भी दो आप याद रखना, बस याद रखना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां पर टेम्परेचर पूरे साल ज्यादा होता है क्योंकि इक्वेटर पर सन की जो लाइट है डायरेक्टली पड़ती है। साथ में ही यहाँ पर रेनफॉल भी ज्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर हाई है, तो कन्वेक्शन रेनफॉल यहाँ पर डेली 2 PM के बाद होती है जब टेम्परेचर हाई उठाता है। इस वजह से यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, और वुड जो होती है वो भी हार्ड होती है। बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा है क्योंकि रेनफॉल ज्यादा है। कुछ फेमस प्लांट जो यहाँ मिलते हैं, पहला है महागुनी, दूसरा है एबोनी, तीसरा है रोजवुड, अगला है आयरन वुड, ये यहाँ के फेमस प्लांट। उसके बाद 10 से 30 के बीच हम 3 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करते हैं। 10 से 30 नॉर्थ साउथ 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला वाला इधर वाला पार्ट है, ये हमने देखा था मानसून। तो मानसून क्लाइमेट जो इंडिया में पाया जाता है इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो लगभग 170 to 200 सेंटीमीटर। एक तो यहाँ पे रेनफॉल मिलती है कई बार टेम्परेचर हाई होने की वजह से, कन्वेक्शन रेनफॉल, जब सन की लाइट डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और दूसरा इस एरिया में मानसून जब आता है उस टाइम भी रेनफॉल हमें मिलती है। इस वजह से यहाँ पर जो फॉरेस्ट बनते हैं वो बनते हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस। डेसीडियस का मतलब हमने जाना भी था, ऐसे फॉरेस्ट जो थोड़ा अपना लीफ छोड़ देते हैं, तो खासकर जब इनको वाटर नहीं मिलता या इन्हें लगता है कि अब हमारे पास पानी नहीं है तो उस टाइम में लीफ छोड़ देते हैं। और सर्दियों के टाइम मौसम ड्राई रहता है, गर्मियों के टाइम थोड़ा सा रेनफॉल ज्यादा होता है, ये यहाँ की कंडीशन होती है। और इसके कुछ फेमस जो हमें प्लांट दिखते हैं वो है सैडलवुड, जिसे हम लोग शीशम के नाम से भी जानते हैं, या चंदन की लकड़ी। अगला सालवुड, ये शीशम, ये वाला चंदन, रेड चंदन वो पुष्पा वाला वो भी है, और साथ में सैलवुड भी यहाँ पे मिलता है। अगला यहाँ पे टीक। टीक जो इंडिया में आपको आसपास दिखता है सागवान के जो पेड़ होते हैं उसको टीक कहते हैं। तो मानसून में 170 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, सैडलवुड साथ में ही सालवुड और टीक यहाँ के कुछ फेमस प्लांट है। यहाँ की बायोडायवर्सिटी ट्रॉपिकल एवरग्रीन से थोड़ी कम होती है,
वुड की जो लकड़ियां हैं वो भी थोड़ी सी कम हार्ड होती है एज कंपेयर टू उससे, लेकिन काफी ज्यादा फेमस है इनके प्लांट, क्योंकि इनका बहुत सारा यूज किया जा सकता है, इससे बेड बन सकते हैं। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा जिन फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है वो फॉरेस्ट हैं यही वाले मानसून क्लाइमेट वाले, बायोडायवर्सिटी भी ठीक ठाक है और इसकी वजह से बेड बन सकता है, आपके गेट बन सकते हैं, टेबल बन सकती है, तो ये सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं इन फॉरेस्ट का यूज करके। फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया है सवाना, सवाना एरिया में थोड़ा सा रेनफॉल कम होता है और 60 to 100 सेंटीमीटर एनुअली, इस वजह से रेनफॉल जब कम हुआ तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट तो मिलेंगे नहीं, इसलिए सवाना में आपको कुछ फॉरेस्ट या प्लांट मिलेंगे लेकिन ज्यादातर है आपको ग्रास मिलेगी, इसे सवाना ग्रासलैंड। ये कहाँ पे मिलती है? ये अफ्रीका में, अफ्रीका में काफी ज्यादा है और ये कॉन्टिनेंट के बीच वाले जो पार्ट है मिडिल वाले पार्ट में आपको मिलेगी, इंडिया में भी कुछ ग्रासलैंड ऐसे मिले। उसके बाद इधर वाला जो एरिया है ये डेजर्ट, और डेजर्ट वाले एरिया में आपको पता है कि भाई जो प्लांट है वो काफी कम मिलते हैं, कैक्टस आपको मिलेगा यहाँ पे जिसके लीफ भी सही से नहीं डेवलप होते, कांटे कांटे होते हैं, उसका रीजन इवेपरेशन ना हो, क्योंकि इवेपरेशन होगा तो ज्यादा इनको हो चाहिए, तो डेजर्ट एरिया कैक्टस आपको यहाँ पे मिलेगा, छुई मुई का पेड़ आपने देखा होगा वो भी यहाँ पे मिलेगा जिसमें बहुत लीफ बहुत छोटे होते हैं, उसका रीजन सबसे बड़ा वाटर को इवेपरेट नहीं होने देते। उसके बाद 30 से 45 वाला एरिया, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इधर चाइना वाले पार्ट में जैसे हमने देखा दोनों का क्लाइमेट, तो ऊपर वाला भी मिलेगा और साथ में ही नीचे वाला मानसून, ये दोनों इसमें मिलेंगे चाइना वाले क्लाइमेट में, तो एक तरफ यहाँ पे मानसून वाले प्लांट, दूसरी तरफ यहाँ पे ऊपर वाला जो हमने देखा था कॉर्न वाले जो प्लांट है वो भी यहाँ पे मिलेंगे, या लॉरेंशियन वाले या टेम्परेट वाले जो प्लांट है वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, दोनों का मिक्सचर चाइना वाले में मिलेगा, तो यहाँ पे प्लांट कह सकते हैं सैडलवुड, साल, ओक जो उधर मिलता है वो भी यहाँ पे मिलेगा। फिर इधर वाले पार्ट में स्टेपी जो है, स्टेपी जो पार्ट है यहाँ पर आपको रेनफॉल भी कम होती है, रेनफॉल कम साथ में टेम्परेचर भी कम, इस वजह से यहाँ पे प्लांट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको बस ग्रासलैंड मिलेंगी, और वर्ल्ड की फेमस ग्रासलैंड यहीं पे है, और स्टेपी वाली ग्रासलैंड को काट के ही हम लोगों ने यहाँ पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, जहां जहां स्टेपी था वहां पर आजकल आपको वीट की प्रोडक्शन मिलती है, चाहे स्टेपी वाला एरिया जो यूरोप में हो स्टेपी ग्रासलैंड, या पंपास कंपोज जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में मिलता है वहां पर भी ये ग्रासलैंड मिलती है, और यहाँ का रेनफॉल 50 से 60 सेंटीमीटर एनुअली मिलता है। फिर उसके बाद मेडिटेरियन, यहाँ पर सब जगह की मिक्स जो है वो वेजिटेशन मिलती है, मिक्स वेजिटेशन मेडिटेरियन, मेडिटेरियन क्लाइमेट में मिक्स वेजिटेशन मिलती है, लेकिन यहाँ के जो प्लांट है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट प्लांट होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर एक प्लांट जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट मिलता है उसे हम कहते हैं रेड जाइंट स्क्वायर, ये प्लांट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है और ये हमें कहाँ मिलता है? यूएसए के कैलिफोर्निया, यूएसए का कैलिफोर्निया भी मेडिटेरियन जोन में पड़ता है, तो वहां पर लॉन्गेस्ट जो प्लांट है वो मिलते हैं, तो ये हमारा 45 डिग्री के आसपास। उसके बाद 45 से 60 वाले जहाँ पे ये वाला सब ट्रॉपिकल है, अभी तक ये ट्रॉपिकल देख रहे थे, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था,
चाइना वाला और ये वाला सब ट्रॉपिकल है, और ऊपर वाला टेम्परेट, यहाँ का टेम्परेचर और ज्यादा कम है, टेम्परेट क्लाइमेट, यहाँ पे रेनफॉल और कम होगी, यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे जिसमें आपको माचिस जो हम बनाते हैं वो बन सकती हैं, साथ में पेपर कुछ बैट वो भी आप यहाँ से बना सकते हो, और यहाँ पर जो आपको फेमस कुछ प्लांट मिलते हैं उनमें है ओक, ओक आपने सुना होगा, पॉपुलर प्लांट का काफी ज्यादा पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है, इल्म और साथ में विलो, ये आगे कुछ फेमस प्लांट है, और यहाँ की जो वुड होगी वो थोड़ी सॉफ्ट होगी क्योंकि टेम्परेट वाला है एज कंपेयर टू इस वाले से, साथ में यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी क्योंकि रेनफॉल कम है, ये दोनों चीजें उसमें। उसके बाद जो चीज यहाँ पे मिलती है टेम्परेट, यही सेम ब्रिटिश वाले क्लाइमेट में मिलता है, ब्रिटिश क्लाइमेट जहाँ पे पूरे साल रेनफॉल होती है, फ्रंटल रेनफॉल, और वो सब किसकी वजह से, वेस्टर्ली विंड की वजह से, तो इस ब्रिटेन वाले में भी आपको ओक, पॉपुलर, साथ में इल्म और विलो, ये वुड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ब्रिटिश वाले और किस वाले एरिया में, दोनों एरियो में एक साथ होता है, तो इनका भी यूज हम किसकी बात करेंगे, इन दोनों का यूज हम बैट बनाने के लिए, माचिस बनाने के लिए, जो माचिस बॉक्स होता है उसको बनाने के लिए, साथ में पेपर बनाने के लिए इन प्लांट का सबसे ज्यादा यूज हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम ब्रिटिश वाले प्लांट और ये वाले प्लांट सबसे ज्यादा यूज किए, क्योंकि एक तो इनको काटना बहुत आसान है, सॉफ्ट प्लांट है, और दूसरा बायोडाइवर्सिटी नहीं है, तो एक जैसे प्लांट मिल जाते हैं एक ही जगह, ये भी इनको आसानी होती है, तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जरूरत पड़ी तो इन प्लांट का काफी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, और ये प्लांट काफी कम क्वांटिटी में बचे, ज्यादातर प्लांट का हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, और फिर इसके बाद यहां पर जो मिलते हैं कॉनिफर फॉरेस्ट, या जिन्हें हम क्रिसमस ट्री भी कहते हैं, इस टाइप का जो होता है प्लांट क्रिसमस ट्री, वो प्लांट इस सेंटर वाले पार्ट में मिलते हैं, और यहां पर क्या बनते हैं पाइन, ये एक प्लांट है, चीड़, ये आपने सुना होगा इंडिया के हिमालयन वाले पार्ट में भी, जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को कंट्रोल किया तो उन लोगों ने चीड़ के प्लांट लगवाए अपनी जरूरतों के लिए, चीड़ के प्लांट के लिए हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं उसका, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, पेपर बनाने के लिए, क्लॉथिंग के लिए, क्योंकि उससे फाइबर भी हमें मिलता है, चीड़ का हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला देवदार, ये भी यहीं पे मिलता है, और साथ में लार्च, ये यहाँ पे मिलता है, तो क्रिसमस ट्री वाले प्लांट आपको इधर वाले एरिया में मिलेंगे, ऐसे वर्ल्ड, और ऊपर वाला जो टुंड्रा वाला है उस एरिया में आपको कोई भी प्लांट नहीं मिलेगा, उसका रीजन वहां पे कुछ फंगस टाइप के प्लांट होंगे, थोड़ी झाड़ियां टाइप की होंगी, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वहां पर टेम्परेचर इतना हाई नहीं है कि प्लांट का डेवलपमेंट हो जाए, टेम्परेचर हाई नहीं इस वजह से रेनफॉल भी नहीं होती। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हमने देखा 0 से 10 डिग्री जहां पर ट्रॉपिकल एरिया है, रेनफॉल भी ज्यादा होती है और साथ में टेम्परेचर भी ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, इसलिए यहाँ के प्लांट एवरग्रीन होते हैं, हर टाइम अपनी जो लीफ है वो नहीं गिराते, अलग अलग टाइम गिराते हैं, साथ में यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वुड भी हार्ड होती है, और यहाँ पर कुछ फेमस प्लांट जो मिलते हैं उनका नाम है महागुनी, इबोनी, रोज वुड, आयरन वुड, ये कुछ फेमस प्लांट है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल के बाद जो ऊपर वाला एरिया है उसमें सबसे पहले ईस्ट की साइड मानसून क्लाइमेट, यहाँ पे 170 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, जो इंडिया में भी दिखाई देता है,
और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कुछ और चीज जो हमें मिलती है वो है सैडलवुड, चंदन वाली लकड़ी, साथ में सालवुड, शीशम और टीक, ये आपको वुड आपको दिखाई देती है। उसके बाद सवाना वाला एरिया जहाँ पर रेनफॉल 60 से 100, तो प्लांट तो मिलते हैं लेकिन बहुत दूर दूर, ज्यादातर ग्रास लैंड होती है, और ये ग्रास लैंड कहाँ मिलती है, अफ्रीका और कॉन्टिनेंट के बीच में। सबसे लास्ट में इधर वेस्ट साइड डेजर्ट फॉरेस्ट मिलता है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है लेकिन रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पे आपको कैक्टस प्लांट मिलेंगे जिनमें लीफ नहीं होती, और लीफ ना होने का सबसे बड़ा कारण वाटर का एवेपरेशन ना हो। उसके बाद आपको देखिएगा चाइना वाला, जहाँ पे मानसून प्लांट होते हैं, और साथ में ऊपर वाले जो टेम्परेट फॉरेस्ट हमने देखे थे, ओक और ये भी मिल जाएगा। दोनों का मिक्सचर चाइना वाले क्लाइमेट में होता है, और यहाँ पे रेनफॉल 100 से 120 के आसपास हो जाती है, कभी 150 ये रेनफॉल रहता है। उसके बाद स्टेपी 50 से 60 सेंटीमीटर रेनफॉल, रेनफॉल कम है, टेम्परेचर कम है, इसलिए सिर्फ ग्रास लैंड दिखाई देती है, जैसे कंपोज, पंपास, और यूरोप के स्टेपी वाले में ज्यादा है, वहां पे स्टेपी ग्रास लैंड मिलती है। मेडिटेरियन वाले में मिक्स वेजिटेशन मिलती है, ऊपर वाली ब्रिटिश वाली भी, साथ में डेजर्ट वाली भी, साथ में स्टेपी वाली भी, बट यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट मिलता है जिसका नाम है रेड जायंट स्क्वायर, ये यहाँ पे मिलता है और रहता है कैलिफोर्निया यूएसए। उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट में जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, साथ में टेम्परेचर कम है, इसलिए वुड जो है वो सॉफ्ट होती है। माचिस बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री बनाने के लिए इनका यूज होता है। ओक पॉपुलर एल्म विलो, और ऐसा ही मिलता है ब्रिटिश क्लाइमेट में, यहाँ भी सेम चीजें होती है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम जो 1813 के आसपास आया था यूरोप में, उस टाइम इस प्लांट का सबसे ज्यादा यूज किया था। और सबसे आगे कॉनिफर फॉरेस्ट जो हमें एक तरीके से क्रिसमस ट्री की तरह दिखाई देते हैं, जहाँ पाइन, चीड़, देवदार, लार्च इनका यूज किया जाता है, पेपर, बैट, ये सारी चीजें बनाने के लिए। तो ये नेचुरल वेडिशन है वर्ल्ड की जो हमने देखी। तो आपको समझ आया होगा, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।